इसलिए कि हम जीते हैं तो लोगों के लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। जनता का यही खुशी एकदम कायम रहेगा, 100 में 100 कायम रहेगा, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं आएगी। नमस्कार, नमस्कार बिहार में आप सभी का स्वागत है। पंचायती चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और कई प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। इसी क्रम में कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन्होंने दोबारा जीत हासिल की है। इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र के बड़म पंचायत में, जहां पर नन्हे पांडे जी एक बार विजेता हुए हैं। हालांकि वोटों का अंतर काफ़ी कम रहा, 5 वोटों से वो विजयी हुए हैं और वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वो जनता को क्या कहना चाहते हैं। और वोटों का अंतर तो कम रहा लेकिन जनता ने उन्हें फिर एक बार मौका दिया है, इसके लिए वो क्या कुछ खास करेंगे। स्वागत है सर आपके चैनल को। सर, वोटों का अंतर कम रहा, 5 वोट का अंतर रहा लेकिन जनता ने आपको जिताया। जी, जनता जिताया, इसका बहुत खुशी है हमको और जनता को भी खुशी है हमसे जीतने के लिए, जो हम जीते हैं उसके लिए। कहीं ना कहीं तो सर काफ़ी टक्कर थी आपके पंचायत में, तभी इतना वोटों का अंतर कम रहा, क्या लगता है कहाँ कमियाँ रह गई? कमियाँ अब मैं क्या कहूँ, अपने अंदर कमी थी कि लोगों के अंदर कमी थी, अब इस बात को ढूंढने से कोई फ़ायदा है नहीं। चुनाव हम लोग जीत गए हैं और फिर से अपना कार्यभार संभालेंगे। फिर से जिताई और अपने बड़रम पंचायत में अभी तक दूसरा बार कोई BDC नहीं बना, इसकी खुशी हमें है कि जनता हमें दूसरा बार भी BDC, ये रिकॉर्ड था, ये मैंने तोड़ के इसको ख़त्म किया, हमको जिताई। जनता समर्थन रैली निकाली थी तो आपने कहा था कि जनता का समर्थन मिल चुका है, चुनाव जीत चुका हूँ, बस औपचारिकता बाकी है, कि ये बातें सत्य हो गई हैं इसको लेकर? जी, आपसे बात हुई थी आपके चैनल के माध्यम से, तो हम पहले भी बोले थे कि हम चुनाव जीत चुके हैं, आज भी बोल रहे हैं, आज तो चुनाव जीत चुके हैं। वोट कम बेस मायने नहीं रखता है, जीत होती है, हार हार होती है। महिलाओं को आप पर काफ़ी भरोसा है, उन्होंने कहा है कि आप काफ़ी मदद करते हैं, उनका भरोसा कायम रहेगा? एकदम कायम रहेगा, 100 में 100 कायम रहेगा, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं आएगी। विकास के कार्य जितना हमसे हो सकेगा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके काम करेंगे। सर, क्या प्रमुख की दावेदारी की? प्रमुख की दावेदारी इसलिए नहीं कर सकते हैं कि सीट आरक्षण में तो हम लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो प्रमुख की दावेदारी नहीं हो सकता है। उप प्रमुख की दावेदारी के लिए काम रहेगा, अपना प्रस्ताव जाएगा। जनता को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें दोबारा सेवा करने का मौका दी जनता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जैसा कि देखा आपने अभी नन्हे पांडे से बात हुई, उन्होंने कहा कि वोटों का अंतर तो कम था लेकिन काफ़ी खुशी है कि दोबारा कोई इस पंचायत से BDC सदस्य बना है और जनता के जो कार्य हैं, जो वादे हैं, उनको पूरा किया जाएगा।